साथियों जय भीम, बहुत जल्द आपके सामने दो छोटे छोटे एपिसोड्स लेकर आ रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा था कि गुजरात के तीन मंत्री आटा पीसते हैं और बाकी मंत्री आटा गूंथकर रोटी बनाकर गुजरात भेजते हैं। उसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि किसको डॉक्टर अंबेडकर जूते से पीटने की बात कर रहे थे, और जब ये अंबेडकर ये बात कर रहे थे तब वो कोई कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट नहीं थे, उनकी उम्र थी 48 वर्ष, 48 ईयर्स। बात है 1939 की, तो जल्दी। बहरहाल, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है, और पेश है अंबेडकर नामा। कल जयपुर में था, कार्यक्रम करके रात में लौटा। जाहिर है शारीरिक थकावट तो होगी ही, लेकिन अंबेडकर नामा में थकना मना है, कोई छुट्टी नहीं। हर दिन आपके लिए पेश करता हूँ कोई ना कोई एपिसोड। अब चलिए, इस एपिसोड में आप क्या जानने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। पहले रेफरेंस नोट कीजिए, हिंदी का वॉल्यूम 39, ये मराठी से हिंदी में अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में अवेलेबल नहीं है। चैप्टर नंबर 196, पेज नंबर 369-371। टाइटल है ब्राह्मणवाद पर प्राणघातक वार। क्या था डॉक्टर अंबेडकर का प्राणघातक वार? क्या यह बौद्ध धर्म अपनाना था, बुद्धिज्म अपनाना था, या कुछ और था? चलिए, किसको बोलते हैं कि यह प्राणघातक वार है एक तरीके से, तो शुरू करते हैं। बात है जब वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनने वाले थे, उसके एक दिन ठीक पहले की बात है, 18-19 जुलाई 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद की एक सभा हुई थी, और उसमें 19 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया था। उन्होंने कहा, मित्रों, पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक आंदोलन तेज गति से चल रहे हैं। हालांकि अस्पृश्यों के संदर्भ में कहें तो आपने आज जो प्रस्ताव पारित किए हैं उनके कारण मुझे यकीन है कि अस्पृश्यों के जीवन में एक नए युग की सूत्रपात होगी। आप जानते हैं कि मैं कल अपने नए दफ्तर की जिम्मेदारी स्वीकारने जा रहा हूं, इसलिए पिछले 20 सालों के अपने मुखिया होने का हिसाब आपके सामने पेश किया है। आगे कहते हैं, यहां मुसलमान और अस्पृश्य में क्या भिन्नता है उस पर बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मुसलमान और अस्पृश्यों को भले अल्पसंख्यक माना गया हो, लेकिन उनकी स्थितियां में बहुत अंतर है, और साथ यह साफ तौर पे बताया जाना चाहिए। हमारी जाति के तुलना में मुसलमान जाति अधिक अमीर है। अंग्रेजों के आने तक वे इस देश के शासक थे, इस प्रकार उनके साथ ऊंचा दर्जा जुड़ा हुआ है। हमारी तुलना में कई गुना प्रगति उनकी हुई है। सैकड़ों सालों से हमारा शोषण होता रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति अत्यधिक दरिद्र है, केवल जनसंख्या के सहारे हम अपनी तुलना मुसलमानों से नहीं कर सकते। शुरू से हमें पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर रहते हुए काम करना होगा, हमें अपनी जाति का उद्धार करना है। मेरी इस नियुक्ति के कारण अपनी जिम्मेदारी मुझे किसी और को सौंपनी पड़ रही है, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होने के नाते जो संगठन का काम था वो जिम्मेदारी किसी और को सौंपने की बात यहाँ कर रहे हैं। शक्ति पाने का, पावर पाने का मुझे कोई चाव नहीं है, मैं इसके बगैर भी ठीक था। केवल डॉक्टर अंबेडकर और सांसद डॉक्टर अंबेडकर में कुछ फर्क है ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरी नियुक्ति के बारे में अधिक महत्वपूर्ण एक बात जो मुझे लगती है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
दलित प्रतिनिधि को एक दलित प्रतिनिधि के लिए एक जगह होनी चाहिए, ऐसा अब तय हो चुका है। ब्राह्मणवाद के लिए यह प्राण घातक मुक्का है। उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाना और दलित वर्ग के लिए एक सीट आरक्षित होना, ये था दमदार मुक्का। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सब हैं। मेरी नियुक्ति का यहाँ महत्व है। इस तरह का चलन ब्राह्मणवाद के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है। मुझे लगता है कि अस्पृश्यों की यह बहुत बड़ी विजय है। अब तो आरक्षण खत्म हो रहा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर सीधे लैटरल एंट्री हो रहा है, तो जो उनका मुक्का था वो सीधे वापसी की ओर है। आप संभालिए अपने अधिकार और हकों को, बचाइए। आगे कहते हैं कि कई लोग हैं जिनके बारे में मेरी अच्छी राय नहीं है। पढ़ने के में समय व्यतीत करते हुए अकेले जीवन बिताना मेरा स्वभाव है। मेरे स्वभाव के बारे में कई लोगों को लगता है कि मैं लोगों से ठीक तरीके से पेश नहीं आता और उन्हें टालता हूँ। मेरा बर्ताव इस बात का सबूत है। मैं यकीनी तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि किसी का भी किसी तरह का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं होता। मेरा जीवन बेहद सीमित है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। आगे कहते हैं, उनके ब्राह्मण दोस्त भी थे। अगर आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो कथित अंबेडकरवादी हैं, अगर आपके टीचर ब्राह्मण है उस पर भी ऑब्जेक्शन करेंगे, आपके दोस्त ब्राह्मण है उस पर भी ऑब्जेक्शन करेंगे। यहाँ कई मित्र डॉक्टर अंबेडकर के ब्राह्मण थे, वो जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं, बहुत से हिंदू लोग मेरी तरफ दुश्मनी की नज़र से देखते हैं। कहते हैं कि उनकी भावनाएं आहत हों इसलिए मैं कठोर बोलता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा हृदय अत्यंत कोमल है। मेरे कई मित्र ब्राह्मण हैं, हालांकि मैं मानता हूँ कि कोमल हृदय के इंसान को भी सच बातें कह देनी चाहिए, सत्य कह देनी चाहिए। अपने भी बंधु बांधवों के साथ कुत्तों से भी अधिक बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उनकी उन्नति के सभी द्वार बंद हो चुके हैं। यह देखते हुए भी हिंदुओं के साथ मेरे दयालु व्यवहार करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैं जानता हूं कि हिंदुओं की वर्तमान पीढ़ी ने कुछ नहीं किया, इसलिए मतलब उन्होंने कोई ऐसा करें कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए मैं दुश्मनों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ। विरोधियों के साथ मैं कभी दुष्टता से पेश नहीं आता, लेकिन उन्हें उनका अपराध बोध कोंचता रहता है। आगे कहते हैं कि मेरी पक्की राय है कि इस देश में, इस दिशा में हिंदू मुसलमान और दलितों के बीच राजनीतिक अधिकारों का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों के साथ दलित वर्ग को भी प्रशासन के में समान अधिकार मिलने चाहिए। इन तीन खंभों के सहारे ही भविष्यकालीन संविधान सही तरीके से काम कर पाएगा। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए आप सभी को एक झंडे के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा, एक ही संगठन बनाना पड़ेगा। अब तक जो अधिकार हमारे हिस्से आए हैं वे संविधान के जरिए हमें नहीं मिले हैं। इसकी एकलौती वजह है, एकमात्र कारण है कि हम अभी तक संगठित नहीं हुए। आप सभी जब संगठित होंगे और एक ही संस्था के तहत काम करेंगे तब आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे, इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं। आगे अखबारों की भूमिका की बात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर यहाँ कह रहे हैं, दिलचस्प बात है, और कहते हैं कि हमारा संगठन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन कांग्रेस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके पीछे की वजह का विश्लेषण यहाँ डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है, उसका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ है। कोई भी यही बात बड़ी कई लोग
बड़ी सहजता से पूछते हैं कि आपके संगठन का प्रचार दूर तक क्यों नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि कांग्रेस के पास दो सुविधाएं हैं जो हमारे पास नहीं है। भारत के सभी छापेखाने कांग्रेस के पीछे खड़े हैं, सो उसे पूरी प्रसिद्धि मिलती है। हमें तथाकथित राष्ट्रीय हिंदू अखबारों में प्रसिद्धि नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के पास पैसा है। आपको याद होगा कि कांग्रेस द्वारा 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया गया है। उसकी सफलता का राज इस प्रचंड फंड में छिपा हुआ है, लेकिन अपनी जाति के कार्य के लिए मैंने कभी फंड की मांग नहीं की। जो संगठन और उन्नति हम लोगों ने प्राप्त की है वह किसी भी तरह के फंड के बगैर है। हालांकि संगठन बनाने के लिए फंड इकट्ठा करना अत्यंत आवश्यक है और मैंने यह आपको बताया हुआ है। फंड के बगैर आगे बढ़ने में हमारा समाज असमर्थ होगा और पहले से सुसंगठित जाति के साथ चलने में उसे कठिनाई महसूस होगी। आगे कहते हैं, बहुत दिलचस्प बातें हैं, सीखने की बात है। कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन हमें उन गलतियों से ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। गलतियों के जरिए ही हमें अपने दोष का पता चलता है और पता चलने के बाद ही हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। समूचे भारत में हमारा एक संगठन होना चाहिए, यह प्रस्ताव आपने जो पारित किया है यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। हर प्रांत में अब अपनी शाखाएं खोल दीजिए। फिलहाल जो संगठन अस्तित्व में है वे सब इस संगठन में विलीन हो, इस ओर आप विशेष ध्यान दें। आगे भाषण कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि कार्यालय तथा आंदोलन के केंद्र के तौर पर न केवल हर प्रांत में बल्कि हर जिले में आपके संगठन की इमारत हो, यह मेरी बड़ी इच्छा है। कल रात वेले के दशरथ पाटिल के साथ मेरी बातचीत हुई। नागपुर में जमीन का कोई टुकड़ा खरीदकर हमारी संस्था के लिए एक इमारत खड़ी करने के लिए मैंने उनसे कहा है। 20 से 25 हजार रुपयों में यह काम हो सकता है। ऐसी इमारत नागपुर में बनवाने की तैयारी आप करें और नींव का पत्थर रखने के लिए यदि आप मुझे बुलाएंगे तो उस निमंत्रण को स्वीकार करने में मुझे खुशी होगी। तो ये था साथियों एक दिलचस्प भाषण। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। सब्सक्राइब कीजिए, ब्लू बेल दबाइए और घर घर पहुंचाइए, क्योंकि आप जानते हैं अम्बेडकर नामा एक सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, एक एकेडमिक चैनल है और भारत सरकारें, महाराष्ट्र सरकारें या कोई पब्लिश्ड जो वर्क होता है उसी को पढ़ के आपसे बातचीत होती है। इसलिए पूरा वीडियो सुनिए और पूरा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात।